Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. एक जमाना था जब गलत कृत्य पर जेल जाने वे बाहर आने पर लोग शर्म से जमीन में गड़ जाया करते थे, लेकिन अब फूल मालों से स्वागत किया जाने लगा है। व्यवस्था, मान्यता और उसूल धर्म व जातिगत राजनीति में खो गए हैं। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में एक महिला से गाली गलौज करने वाला भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी जेल से जमानत पर बाहर आकर सोसाइटी पहुंचा तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गुलाब की पंखड़ियां उस पर लगातार श्रीकांत त्यागी जिंदाबाद के नारों के बीच बरसाई जा रही थी। चेहरे पर न ही कोई शिकन और न ही इस घटना का कोई मलाल। मुस्कुराते हुए कहा कि अगर गलत कार्रवाई के लिए किसी को जेल जाना पड़े तो घर वापसी तो होगी ही ना। जहां तक बात चुनाव लड़ने की है तो क्या यह भी पूछने की बात है, यानी हाँ, क्या भाजपा से ही? बोले, यह समाज तय करेगा। यहां यह बताना अनिवार्य है कि श्रीकांत त्यागी का रुतबा भाजपा में किसी से छिपा नहीं है। भाजपा के तमाम उन दिग्गज नेताओं संग श्रीकांत त्यागी के आत्मीयता वाले फोटो वायरल हुए हैं, जहाँ पहुँचना हर कार्यकर्ता चाहता है। यह बात दीगर है कि फोटो वायरल होने व समाज में कड़ी फजीहत होने पर भाजपा ने श्रीकांत त्यागी से यह कहते हुए किनारा कर लिया था कि उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। फोटो खिंचा लेने से क्या होता है? भाजपा सांसद महेश शर्मा ने उस वक्त अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से फोन पर कहा था कि उन्हें आज इस घटना पर शर्म आ रही है कि भाजपा का राज है। गिरफ्तारी के बाद से मेरठ कमिश्नर पर त्यागी समाज का धरना चला आ रहा है। यह धरना श्रीकांत त्यागी के परिवार संग उस वक्त हुई कथित ज्यादती के खिलाफ चल रहा है। सांसद महेश शर्मा भी त्यागी समाज के निशाने पर तभी से चले आ रहे हैं। सोसाइटी पहुंचने पर कुछ इस तरह से श्रीकांत त्यागी का स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया से श्रीकांत त्यागी ने यह भी कहा, देखिए। ऐसा है कि घर तो आना ही था, घर आने में अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है और किसी गलत कार्रवाई के चलते किसी को जेल जाना पड़े, स्वाभाविक है कि तो जेल रहेगा नहीं ना, घर तो आना है उनको। अब 2 महीने बाद पहुंचे हैं सोसाइटी में वापस, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, घर है हमारा, अच्छा लग रहा है। समाज के लोग खड़े हैं, समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे? समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी का समाज, त्यागी समाज जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को दिखाकर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी बताने का काम किया कि ये वो त्यागी समाज है जिसमें त्यागी भूमिया, ब्राह्मण, मोहियाल, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिस्त्र, गालब समाज के नाम जाना जाता है। ये समाज बहुत बड़ा समाज है और इस समाज ने जैसे हमारा साथ दिया, अपना बेटा अपना नेता मान के हमें जो आगे बढ़ाने का काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे क्या आप समाज के लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों ने आपके पूरे वक्त में साथ दिया आपका? समाज हमारे लिए भगवान है, सर्वोपरि है, उसके चरणों में समर्पण है हमारा। क्या राजनीति में सक्रिय रहेंगे श्रीकांत? क्यों नहीं रहेंगे, राजनेता है तो क्या करेंगे? भाजपा में ही रहेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? ये हम अपने लोगों से बात करेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे इस पे। चुनाव लड़ने की कोई तैयारी? चुनाव लड़ने की तैयारी क्या होती है? चुनाव लड़ने की तैयारी बतानी पड़ती है क्या? मतलब लड़ेंगे श्रीकांत? नहीं, बतानी पड़ती है। मुश्किलात के साथ कह रहे हैं, समाज जो कहेगा वो होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।